सबका इंतजार है 22 जनवरी को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। और इसके लिए नए घाट पर विशाल महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था इस टेंट सिटी में की गई है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है और किस तरह से लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर साधु संतों को के लिए विशेष व्यवस्था है, जो इस महायज्ञ में शामिल होंगे, और उनके भंडारे की भी व्यवस्था है। आइए देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर होने वाली किसी भी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है। यहाँ पर समस्याओं का समाधान होगा और आने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए लोग तैयार हैं और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरह से टेंट के टीनों को यूज कर करके कमरे का आकार दिया जा रहा है, सजावट भी की जा रही है। देखिए यहाँ पर कार्य व्यवस्थापक का भी एक कमरा बना गया है, जहाँ से लोग आएंगे और अपने कार्य व्यवस्थापक से मिलकर अपनी समस्या का निदान कराएंगे। यहाँ पर अनुष्ठान कार्यालय है, जहाँ पर यज्ञ में होने वाले अनुष्ठान के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में लोगों को सुविधा मिलेगी। आइए बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक हैं भाई साहब, इनसे बात करते हैं कि कार्य की व्यवस्था के बारे में। कौन बताएंगे, क्या नाम है भैया आपका? सोनू यादव। सोनू यादव जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से, बहराइच से। बहराइच से आए हैं, क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे व्यवस्था रहने की, यात्री के रहने की व्यवस्था चल रही है जी। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं, करीब 60 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें 30-31 कमरे VVIP हैं। आइए देखते हैं वहाँ का नजारा कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर VVIP कमरे बनाए गए हैं, टोटल 60 कमरे हैं, जिसमें से कुल 31 कमरे VVIP हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था हो रही है। देखिए इस कमरे में बेड लगे हुए हैं, शौचालय की भी व्यवस्था है, स्नान घर का भी व्यवस्था है, यहाँ तक कि हैंगर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विच भी लगी हुई है। पूरी तरह से एक रिहायशी मकान की तरह से इसको सजाया गया है, व्यवस्था की गई है, और ठंडी का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर कंबल भी है, चारपाई भी रखा गया है, और देखिए इसमें गद्दे भी लगे हुए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। कोई इसको कई गलियों में विभाजित किया गया, एक तरह से पूरी टेंट का ये शहर बनाया गया है। अयोध्या में टेंट का शहर है ये, जहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए व्यवस्था की गई विशेष व्यवस्था है, जो कि 2 महीने तक चलेगा। आने वाले 10 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। किसी तरह, जैसी तरह से शहरों में मकान बने होते हैं, उसी तरह से टेंट का शहर बनाया गया है, और आधुनिक युग से चलती हुई ये टेंट की गलियां देख लीजिए। यहाँ पर टीने का यूज किया गया है और पूरी तरह से एक कमरे में तब्दील किया गया है, जैसे शहरों में मकान बने होते हैं उसी तरह से कमरे भी बनाए गए हैं। देखिए आगे एक पंडाल भी बन रहा है, आइए देखते हैं वहां पर क्या व्यवस्था चल रही है। देखिए यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है, जो पूरी तरह से टेंट का सामान यूज हो रहा है, और यहाँ पर लोगों के खाने और रुकने की भी व्यवस्था की गई है। आइए यहाँ के व्यवस्थापक जो इस कार्यक्रम के हैं, टेंट का जो ये सिटी बन रहा है, इनसे बात करते हैं। या भैया काफी दिन से लगे हुए हैं, क्या नाम है बड़े भाई आपका? मेरा नाम श्याम यादव है जी। कहाँ से हैं? हम सोहल से रहने वाले हैं जी। क्या व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था ये साधु संत के लोग खाने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था हो रहा है यहाँ पे। कितने लोगों की व्यवस्था होगी यहाँ? 350 लोग की व्यवस्था है जी। कब से चल रहा है ये व्यवस्था? ये व्यवस्था चल रहा है लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया चलते हुए जी। जी, और कब तक चलेगा ये? अब यही 10 तारीख को ये फाइनल देना है। 10 से 7 लोग आ जाएंगे यहाँ पे। 10 तारीख से आ जाएंगे? 10 से आ जाएंगे। और कब तक रहेंगे? 10 से यहाँ रहेंगे, 2 महीने रहेंगे कम से कम, मार्च तक, 10 मार्च ही जी जी रहेंगे। और ये किस विशेष प्रयोजन के लिए हो रहा है? ये विशेष प्रयोजन ये केवल साधु संत के लिए हो रहा है जी। जी,
जी, जैसा कि आपने देखा भाई साहब ने अभी बताया है कि ये साधु संतों के लिए विशेष व्यवस्था है, इनके रहने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि दैनिक दिनचर्या का भी विशेष महत्व रखा गया ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और मौसम के अनुरूप इनको कमरा टीम का बना के दिया गया है। पूरी तो इस टेंट सिटी में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रहा है पूरी तरह से मजदूर लगे हुए काम पे, निर्माण की तैयारी चल रही है, इसी तरह से सब कुछ सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं फर्क इंडिया न्यूज के लिए विजय गुप्ता।